थोड़ी मर्यादा रखिए। लुक हूज टॉकिंग, पूरे हफ्ते सिर्फ एक बात चली है, राहुल गांधी वर्सेस मोदी वर्सेस इंडिया वर्सेस फलाना वर्सेस ढिमकाना। एंड को वो जरूरी भी है क्योंकि इंडिया में पोहे से लेके पॉलिटिक्स तक बिना मसाले के कुछ नहीं बिकता। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि भैया मेन कंटेंट भी तो डालो, सिर्फ मसाला दोगे तो कब्ज हो जाएगी ना। बात तो सही है। हुआ यूं कि काफी टाइम बाद राहुल गांधी का सस्पेंशन हटा और वो फुल बाहुबली स्टाइल पार्लियामेंट में पहुंचे। उन्होंने मणिपुर पे कई ज्यादा सवाल उठाए। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। अब जो सवाल उन्होंने पूछे उसके जवाब तो नहीं मिला, बट हाँ कॉन्टेंट जरूर मिल गया क्योंकि अपेरेंटली स्पीच देते दौरान मिस्टर गांधी ने पार्लियामेंट में चेयर की और एक फ्लाइंग किस दी। एंड इसके बाद मणिपुर का पूरा फोकस उठकर इस फ्लाइंग किस पर आ गया क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट भाई, सिविल वॉर तो चलते रहते हैं, फ्लाइंग किस कौन देता है आजकल। I'm joking. एंड राहुल गांधी कुछ बात करें और स्मृति ईरानी उसका बतंगड़ ना बनाए, ऐसा हो सकता है? नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप, असंभव। उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि पार्लियामेंट में महिला मेंबर्स के सामने उन्होंने फ्लाइंग किस कैसे दी, क्या यही है गांधी परिवार के संस्कार। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन Who can give a flying kiss to a parliament with seats, female members of parliament? और मीडिया को तो तुम जानते ही हो, इनको बस थोड़ी सी आग लगानी थी, वो रोटी सेकने के लिए बैठे थे। स्मृति ईरानी ने कथित फ्लाइंग किस को महिला विरोधी सोच करार दी। He has blown what is colloquially called a chumma. Chumma, chumma, dede. अच्छा मीडिया के बारे में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात नोटिस करना, ये कभी भी किसी स्पीच की कंटेंट पे बात नहीं करते, उसकी डिलीवरी के नंबर देते हैं। राहुल गांधी ने अच्छी स्पीच दी, अमित शाह ने और अच्छी स्पीच दी, क्या बोला ये नहीं बताएंगे लेकिन छक्के छुड़ा दिए। पारी के दौरान जबरदस्त बैटिंग की, मणिपुर हिंसा पर स्ट्रेट शॉट खेला, सरकार के विकास के एजेंडे वाला शॉट मारा। और ये देख रहे हो, ये है इंडियन मीडिया का स्टैंडर्ड। और आपको हंसी आ रही है, इसको देखकर शुभमन गिल को सबसे ज्यादा डर लग रहा है, वो खौफ में है कि भाई मीडिया वाले उसको हटाकर गुजरात टाइटंस की ओपनिंग मोटा वाइज ना करवा दें। ए, सफेद कपड़ा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वैसे ही मैच है और मैच में होगा क्या ये तो तुम्हें पता ही है। मोदी जी के पैर पे बॉल लगता है, फील्डर खुद उठा के बाउंड्री लाइन ले जाता है, अंपायर छक्का देता है, कमेंटेटर सेंचुरी बताता है। और जब तक मोदी जी ने स्पीच दी मीडिया वाले खुशी से होश खो बैठे, वहां मोदी जी माइक के सामने खड़े हुए, ये लोग लेट गए। मोदी जी भाइयों और बहनों बोलते हैं, ये लोग इतना टर्न ऑन हो जाते हैं ना कि कुछ भी बोल देते हैं। और देश को 10, 20 या 50 साल नहीं बल्कि अगले 1000 साल का विजन भी दिया है। 1000 साल का विजन, 1000 साल का मतलब पूरे मुगल 500 साल के अंदर सिमट गए, अंग्रेज कुछ मिला के 300 साल राज करके गए, ये 1000 साल का। क्या राहुल गांधी भी ना कम आदमी नहीं है, इनकी भी हिस्ट्री रही है, कभी ये आंख मार देते हैं, कभी ये झप्पी दे देते हैं, कभी ये फ्लाइंग किस दे देते हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा ये पार्लियामेंट में जा रहे हैं कि क्लब में, बट कूल आदमी है, आई अप्रिशिएट। अच्छा पार्लियामेंट के सेशन पे लोगों ने ना काफी ज्यादा मीम्स भी बनाए, कुछ आपको दिखाता हूं। पुट योर नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स ऑन, इस बार सीरियल के डायलॉग नहीं बोलने, स्पीच देनी है, दोनों अलग अलग होते हैं क्या, बट क्या गांधी परिवार इस बात का जवाब देगा। जिसको किस मिला उससे पूछ लो, फ्लाइंग किस इज एन इंसल्ट टू अ डेमोक्रेसी, कोई मुझसे भी पूछ लो मैं तो किस से खुश हूँ। ये कितनी गलत बात है, ओम बिरला जी को देख के कोई विश्वास ही नहीं मान रहा है कि इनको कोई फ्लाइंग किस दे सकता है। मतलब ओम बिरला मुझे सबसे क्यूट आदमी लगता है पूरे लोकसभा में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर ऑपोजिशन की जगह उनके फेस पर कैमरा रहे तो, बड़े क्यूट लगते हैं मुझे। शादी में जयमाल होते ही फूड स्टॉल की तरफ भागते लोग, बॉयज बिहाइंड आइसक्रीम काउंटर, गर्ल्स बिहाइंड चाट काउंटर, अंकल्स इन दिल्ली मेट्रो, फ्लाइंग किस करते हैं। क्या हो गया राहुल गांधी को, इतनी महिलाएं बैठी हुई हैं,